को चाहो तो एक मैसेज डाल दो कि क्लासेस ऑन, ओके ना। तो मैंने कल शायद आप लोगों से ये वाली बात बोली थी स्टूडेंट्स कि कल मैं आप लोगों को प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर बता दूंगा, यस यही बोला था ना मैंने, है ना बच्चों, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। तो देखिए सबसे पहले आपको प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर बता देता हूं मैं, रिप्लाई करेंगे फटाफट फटाफट, और चाहे तो नोट भी कर लें इसको। बेसिकली जो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर है बेटा पाइथन में, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रेसिडेंस ये बनता है। एक सेकेंड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और फिर मैं एमएस वर्ड वगैरह पर ले लेता हूं, तो इट विल बी टू इजी फॉर यू। आई होप हाँ करेक्ट आ गया है, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो देखिए आपके जो कोर्स में है मैं उसी हिसाब से बताऊंगा, ज्यादा भी नहीं, ठीक है। सो एज पर दिस वन बेटा, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस आप लोग को किसकी नजर आ रही है, बोलते जाइए। पैरेंथेसिस, स्मॉल पैरेंथेसिस, है ना। उसके बाद में किसकी प्रेसिडेंस होती है, पावर, एक्सपोनेंट, पावर, है ना, उसको पावर बोलते हैं ना। फिर उसके बाद में किसकी प्रेसिडेंस होती है, प्लस या फिर माइनस, ये जो ये यूनेरी ऑपरेटर्स होते हैं इनकी, ठीक है, या फिर बिटवाइज नॉट, बट इन तीनों की आपस में बराबर होती है, सॉल्व होते हैं लेफ्ट टू राइट। फिर उसके बाद में किसकी प्रेसिडेंस होती है बेटा, मल्टीप्लाई। अच्छा इन दोनों में से हमारा फ्लोर डिवीजन कौन है ये बताओ, सेकंड वन इज आवर फ्लोर डिवीजन, हाँ श्योर, गलत तो नहीं बोल रहे हो, नो हाँ सेकंड वन इज फ्लोर डिवीजन एंड फर्स्ट वन इज डिवीजन, राइट। फिर उसके बाद में मॉड्यूलस, बट इन चारों की प्रायोरिटी आपस में बराबर होती है, जो लेफ्ट मोस्ट होगा, अगर आपके एक्सप्रेशन में लेफ्ट मोस्ट फ्लो डिवीजन है तो पहले फ्लो डिवीजन होगा, राइट, अगर आपके उसमें लेफ्ट मोस्ट मॉड्यूलस है तो पहले मॉड्यूलस होगा, फिर उसके बाद में प्लस और माइनस। ये शिफ्ट ऑपरेटर आपके कोर्स में नहीं है इसलिए छोड़ दो। फिर बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, और इनसे छोटी प्रायोरिटी होती है स्टूडेंट्स। एक सेकेंड, इनसे छोटी प्रायोरिटी होती है रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर की प्रायोरिटी बराबर होती है, बट एक्सप्रेशन में सॉल्व लेफ्ट मोस्ट होता है, फिर नॉट एंड और, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक बार बिना देखे हुए मेरे साथ में रिवाइज करेंगे, और कैसे रिवाइज करेंगे, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी स्मॉल पैरेंथेसिस, उसके बाद में माइनस फोर या फिर प्लस फोर जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं, या फिर बिटवाइज एंड, नॉट एक्सपोनेंट, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, इससे छोटी एक्सपोनेंट की होती है। फिर इसके बाद में आता है आपका मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, फिर इसके बाद में आता है प्लस और माइनस, फिर इसके बाद में आपका क्या आता है बेटा बताए, बिटवाइज एंड, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, फिर इसके बाद में आपका आता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इज नॉट इन, नॉट इन, राइट, फिर इसके बाद में आता है आपका नॉट एंड और, समझ में आ गया, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज नो नीड, ठीक है, आगे बढ़े। ओके अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने कल इसमें से कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था, दोबारा अगर किसी को सिंटेक्स, लॉजिकल और रन टाइम एरर में से कोई भी एरर पूछनी है तो जल्दी बोलो।
सिंटैक्स लॉजिकल रन टाइम में से कोई भी एरर पूछनी है क्या? नो सर। हाँ या ना बोलो, सारे स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, एक से नहीं। ब्रेक और कंटिन्यू में से किसी को कुछ पूछना है? नो सर। फॉर और वाइल? नो सर। पास? पास? नो सर। पास किसी को नहीं पूछना? आर यू ऑल श्योर? यस सर। ठीक है। रेंज? रेंज फंक्शन किसी को पूछना है? नो सर। सिंगल लाइन वर्सेस मल्टी लाइन कमेंट किसी को पूछना है? नो सर। एस्केप सीक्वेंस, चलिए मेरे साथ में थोड़े से एस्केप सीक्वेंस पढ़ लीजिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है और वहां पर आपसे पूछने को आ सकता है, तो हम लोग डायरेक्ट पाइथन पर वर्क करके थोड़े से एस्केप सीक्वेंस पढ़ लीजिए। पहले तो आप लोग को मैं बता दूं कि एस्केप सीक्वेंसेस वो कैरेक्टर्स होते हैं जिसे कि हम कीबोर्ड से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बच्चों लिख रहा हूँ यहाँ पर हेलो, और हेलो के बाद में मुझे यहाँ सपोज टू से ये वाला स्लैश चाहिए, मैंने लगा दिया हाउ, तो हो सकता है किसी किसी लैंग्वेज में ये प्रिंट कर भी देता है। सारे एस्केप सीक्वेंसेस करवा देता हूँ, तो देखिए अभी इसमें तो आ गया, लेकिन बहुत सारी लैंग्वेज में आता नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको यहाँ पर डबल स्लैश लगाना पड़ेगा, और इस डबल स्लैश का मतलब होगा सिंगल स्लैश। डबल स्लैश का मतलब क्या होगा? ये सिंगल स्लैश। ओके बेटा, दूसरा एस्केप सीक्वेंस जो मैं बता रहा हूँ सिंगल कोड। देखिए जैसे मैंने यहां पर हेलो लिखा और मैंने यहाँ पर सिंगल कोड लगा दिया, और यहाँ मैंने हाउ लगा दिया, ठीक है। अभी देखिए, अभी तो ये आ रहा है, यहाँ आ रहा है, बट अदर लैंग्वेजेस में नहीं आता, तो उसके लिए एस्केप सीक्वेंसेस बने हुए हैं। ये सारी लैंग्वेजेस में सेम है, स्लैश सिंगल कोड, और स्लैश सिंगल कोड का मतलब होता है ओनली सिंगल कोड। देखो यस और नो? अब आपको प्रॉब्लम आएगी इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया हेलो इन्वर्टेड कोड हाउ, फिर ये दे दिया, अब ये एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ जाएगी? हमें डबल कोड लाना है, लेकिन ये क्या समझेगा, ये डबल कोड स्टार्ट हुआ और ये डबल कोड एंड हो गया, जबकि हमारा ये मिडिल वाला डबल कोड है डबल कोड लाने के लिए, तो वो तो नहीं समझेगा। तो इसके लिए एस्केप सीक्वेंस है स्लैश डबल कोड, और स्लैश डबल कोड का मतलब है डबल कोड। इज इट ओके? ऐसे ही हमारा एक एस्केप सीक्वेंस होता है स्लैश बी। स्लैश बी का मतलब होता है बैक स्पेस, तो आपको तो पता है कि बैक स्पेस ऐसे, बैक स्पेस का मतलब होता है एक एक करेक्टर पीछे की तरफ से वो रिमूव करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्लैश बी लगा दिया, तो ये ओ को रिमूव कर देगा। किसको रिमूव कर देगा? ओ। अच्छा, इसमें ये नहीं कर रहा है, बट अदर लैंग्वेजेस में कर देता है। जैसे मैं अगर अभी जावा चलाऊं, तो जावा में चला करके दिखाऊंगा, तो ये कर देगा, ठीक है। इसमें अदर करेक्टर दे रहा है, ठीक है। बेसिकली हाँ, अब जो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान देना, ये स्लैश भी बैक स्पेस के लिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बच्चों हेलो दे दिया, या हाउ दे दिया, और मैं चाहता हूँ हाउ नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, तो आप बोलोगे सर हाउ को आप नेक्स्ट प्रिंट में दे दो, मैं बोलूंगा आप उसकी उस दोनों के बीच में स्लैश एन लगा दो, तो हाउ नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। यस और नो? तो स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। ओके बेटा, ओके ऐसे ही स्लैश टी होता है जो कि आपको टैप देता है, तो स्लैश टी का मतलब होता है टैप। ये देखो, ये टैप स्पेस दे दिया। सो दीज आर ओके? यस सर। होते और भी हैं,
जिन्हें मैं यहाँ लिख देता हूँ और आप लोग ध्यान रखेंगे। बाय द वे अगर एग्जाम में पूछ लेते हैं तो स्लैश एफ फॉर्म फीड, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती और ना यूज होता है। स्लैश आर कैरिएज रिटर्न, स्लैश कैपिटल यू 1 2 3 4 5 6 7 32-bit character set hexadecimal value, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑक्टल के लिए स्लैश ओ ओ ओ, 0 बन गया है, सॉरी ओ 1 2 3 ऑक्टल। तो ये थोड़े से आप लोग लर्न कर लीजिए प्लीज, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोग से। ये मैंने बना करके दिया था और यहां तक पूरा डिस्कस हो गया। फिर मैं आप में से किसी से भी पूछ रहा हूं, प्लीज किसी को अगर कुछ भी पूछना है तो एक बार बता दो। मैं आगे बढ़ू उससे पहले सर, सर एक बार सिंटेक्स और लॉजिकल एरर बता दीजिए। चलो ठीक है, कल का वीडियो नहीं देखा? नो सर। तो देखना था ना, उसमें सब है। वीडियो किस लिए पोस्ट किए जाते हैं? फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फ्रेंड हेलो, दिस इज सिंटैक्स एरर, आप इन्वर्टेड कोट को क्लोज करना भूल गए, सिंटैक्स एरर। लॉजिकल एरर, आपको 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज का सम चाहिए था, आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर लॉजिक, दिस इज लॉजिकल एरर। सम की जगह मल्टीप्लिकेशन आ गया। सो दिस इज लॉजिकल एरर। सिमेंटिक एरर, आपने ए प्लस बी इज इक्वल टू सी लिख दिया, जबकि लिखना था सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये एरर हो गई सिमेंटिक एरर, सिमेंटिक एरर, ठीक है। नाउ रन टाइम एरर, सिंटेक्स सही है, लॉजिक सही है, बट कुछ एक्सेप्शनल एरर्स होते हैं, लाइक 2 डिवाइडेड बाय 0, यू कैन नॉट डिवाइड एनी वैल्यू बाय 0, दिस इज रन टाइम एरर। प्रोग्राम विल वर्क बट एट दैट टाइम इट विल से यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0, डिवीजन बाय 0। जैसे आपका बाइनरी फाइल में था, ध्यान आ गया, बाइनरी फाइल में आपका फाइल नॉट फाउंड एरर आता था। Yes, sir. ये आप लोग ट्राई और एक्सेप्ट लगाते थे उससे बचने के लिए, सॉरी फाइल नॉट फाउंड नहीं, वो आपकी फाइल को वो रीड करता जाता था और फाइल एंड हो जाती थी, तो आप लोग ट्राई और एक्सेप्ट लगाते थे। ईओएफ एरर मैंने आप लोग को सिखाया था, नहीं है ध्यान, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, ध्यान है या नहीं है? ये देखिए, चलिए आप यस सर इतना बोल रहे हो तो मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ। ये आ गया ध्यान में,
ये ट्राई और ये ईओएफ एरर लगाते थे आप लोग, दिस इज एरर। क्लियर? किस लिए? क्योंकि वो फाइल को रीड करते करते फाइल आपकी खत्म हो जाएगी, तो आपको एरर को ट्रेस करने के लिए ईओएफ लगाना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग भी ये जीरो वाले को ट्रेस करवा सकते हैं बड़े इजीली। यहां पर मैं ट्राई लिख देता हूं, यहां पर एक्सेप्ट, अगर आपको एरर का नाम पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं। प्रिंट और अपना मैसेज डाल देता हूं, सॉरी कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, सो योर मैसेज विल बी गिवन। एक सेकंड, कोलन कोलन हेडर है ना, तो कोलन लगाना मैं भूल गया, लेबल है। यस और नो? यस सर। तो क्या होगा कि आपको मैसेज भी मिल जाएगा और आपका प्रोग्राम इंटरप्ट भी नहीं होगा अगर आप फाइल हैंडलिंग करते हैं तो। देखो प्रोग्राम भी चलेगा, इट वर्क्स। और अगर आप ट्राई और एक्सेप्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपको एरर कन्वे कर देगा और प्रोग्राम से बाहर हो जाएगा। देखो एरर कन्वे कर दिया, प्रोग्राम आगे बढ़ा भी नहीं, इट वर्क्स आया ही नहीं। यस और नो? ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है या फिर मैं आगे बढ़ूं? रिप्लाई स्टूडेंट्स, मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं फंक्शन, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ेंगे इसे और समझेंगे और मुझे बताएंगे भी। फंक्शन, यू नो दिस इज अ सब प्रोग्राम जिसमें हम डेटा पे काम करते हैं। तो हमारा डेटा कौन है इसमें? ए और बी, और इसमें ये वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है। तो पहले तो मुझे ये बताओ माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वन फंक्शन वी आर रिटर्निंग एनी वैल्यू और नॉट? यस, इस फंक्शन में हम लोग वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नो सर। नो सर, वी आर नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। बट अगर मैं यहां इस सिंटेक्स में ऐसे करके लगा दूं, ये सिंटेक्स में ऐसे लिख दूं, सम ए कॉमा बी, सो इट विल प्रिंट व्हाट? नन। नन, क्योंकि अगर हम कोई भी वैल्यू नहीं रिटर्न करते हैं तो फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है बच्चे लोग? None. None. Very nice. Very good. ठीक है, तो def, इसमें जो def है उसको क्या बोलते हैं? Definition is starting. मतलब ये हमको ये बताता है कि यहां से ये जो def है ये बताता है यहां से आपकी function की definition start हो रही है। Sum. Sum क्या है इसमें? आपका identifier. और कल ही मैंने बताया था identifier क्या होते हैं? आपके variable names, है ना? Function name, variable name, class name, they are known as identifier. तो आपके पास में इसमें कितने आइडेंटिफायर हैं इस फंक्शन में, जल्दी बताइए। फोर। फोर। फंक्शन का नाम सम, वेरिएबल ए बी सी, इज इट ओके? नाउ तो देखिए अब इसके आगे चलते हैं। कोलन, कोलन क्यों लगाते हैं? There is a colon at the end of line, meaning it requires a block. जहां कहीं भी हम ये colon लगाते हैं, like sum a comma b colon लगा दिया, so that means इसका block है, है ना? जैसे for loop के आगे colon लगाते हैं, if के आगे, elif के आगे, मतलब उसके block है, while के आगे, है ना? क्योंकि उसके block है. By default, Python name the segment with top level segment. Python का जो सबसे top level segment है, तो ये हमारा top level segment है. और इस सेगमेंट का नाम क्या होता है बेटा? मेन सेगमेंट। मेन सेगमेंट, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। और पाइथन प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? मेन सेगमेंट से, ठीक है? नाउ इसमें माय डियर स्टूडेंट्स अब ध्यान देंगे, ये फंक्शन को हमने कॉल किया है और इस कॉलिंग में हमने दो वैल्यूज पास की है, ए और बी की। सो दीज टू वैल्यूज आर नोन एज एक्चुअल पैरामीटर्स।
एक्चुअल पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट और जहां आपने फंक्शन को बेटा जी डिफाइन किया है ओवर देयर पैरामीटर फॉर्मल एज वेल एज पैरामीटर एंड दिस इज नोन एज सिग्नेचर ऑल्सो दिस इज नोन एज सिग्नेचर ऑल्सो ओके एंड दिस फर्स्ट लाइन इज नोन एज फंक्शन प्रोटोटाइप ऑल्सो दिस होल फर्स्ट लाइन इज नोन एज वॉट फंक्शन हेडर और फंक्शन प्रोटोटाइप ओके प्रोटोटाइप सो आई होप इट इज ओके ना समझ में आ गया नाउ आगे बढ़ते हैं मे बी दे विल गिव वन फंक्शन प्रोग्राम एंड दे विल आस्क नाउ फंक्शन है ना भाई ये यहाँ पर जो हमने फंक्शन बनाया है ये फंक्शन कोई वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा है फंक्शन आपका एक सब प्रोग्राम होता है ना ये तो आप लोग को पता है खैर आगे से देखिए ये यहाँ से हमारे तीन टाइप के फंक्शन होते हैं एक बिल्ट इन फंक्शन होता है बिल्ट इन मतलब दीज आर द प्री डिफाइंड फंक्शन विच आर ऑलवेज अवेलेबल लेन इंट इनपुट टाइप प्रिंट दीज आर बिल्ट इन फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स फॉर विच आपको मॉड्यूल इम्पोर्ट करना पड़े लाइक इम्पोर्ट रैंडम इम्पोर्ट स्टैटिस्टिक्स है ना इम्पोर्ट पिकल इम्पोर्ट सी एस वी तब आप उसका रीडर और राइटर फंक्शन यूज कर पाते हैं पिकल इम्पोर्ट करते हैं तब डंप और लोड यूज कर पाते हैं मैथ इम्पोर्ट करते हैं तब पाव एस क्यू आर टी फ्लोर सील फैब्स इसको यूज कर पाते हैं सो दे आर नोन एज फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स यूजर डिफाइंड The functions which are basically defined by user, like this. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So keyword def, this is identifier. These are what? These are parameters, or you can say that formal parameters. These are argument, or you can say that actual parameters. चलिए आगे बढ़ते हैं. Function की calling. Maybe they will give some options of calling, और आपको पता लगाना हो. सबसे पहले कहा आएगा लाइन वन पर फिर कहा आएगा लाइन फोर लाइन फाइव लाइन सिक्स अगेन लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री देन बाहर रिटर्निंग अगर फंक्शन है तो जो जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है उसको बोलते हैं वैल्यू रिटर्न फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यूज आर नोन एज नॉन वॉइड फंक्शन या फिर फ्रूटफुल फंक्शन और जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है उसको वॉइड फंक्शन बोलते हैं या फिर नॉन फ्रूटफुल इज इट ओके इज इट ओके यस सर नाउ नॉन वॉइड दैट मींस फ्रूटफुल फंक्शन इसका एग्जीक्यूशन देखिए पहले लाइन फोर आएगा फिर लाइन फाइव आएगा फिर लाइन सिक्स आएगा फिर लाइन वन जाएगा फिर लाइन टू जाएगा फिर लाइन थ्री जाएगा अगेन लाइन सिक्स पर आएगा बिकॉज इट इज रिटर्निंग इट्स वैल्यू एंड हियर प्रिंट इज देयर समझ में आ गया यस सर नाउ नॉन वॉइड फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यू अब देखिए यहां पर क्या है पहले लाइन वन लाइन वन लाइन फोर लाइन फाइव लाइन सिक्स फिर लाइन सिक्स से कहां जाएगा लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री फिर अगेन लाइन सिक्स पर आएगा और अपनी वैल्यू एस में स्टोर करेगा फिर लाइन सेवन पर आएगा यस और नो तो ये आप लोगों का नाउ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट देखिए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें बेटा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कौन है ये बताइए डेफ इंटरेस्ट करके ये हमने प्रोटोटाइप दिया है विच वन इज द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट टेल मी रेट प्रिंसिपल और टाइम तो डिफॉल्ट नहीं है ना नो सर यस वेरी गुड तो बेटा जब रेट हमारा डिफॉल्ट है तो इंटरेस्ट में मैंने जो ये टू वैल्यूज पास करी है 5400 एंड 2 तो 5400 प्रिंसिपल में कॉपी होगा 2 जाकर के किस में कॉपी होगा टाइम तो रेट अपनी वैल्यू क्या लेगा 0.10 हाँ इफ value is skipped by you, value is not passed,
So rate will occupy its default value. Now in next one, principal क्या लेगा 6100, time क्या लेगा 3, और यहाँ पर rate क्या लेगा 0.15, क्योंकि हमने उसकी value pass की है. तो अब जरा इस line को भी पढ़ लीजिए. A parameter having default value in the function header is known as default parameter. उसके नीचे a parameter having a default value in function header becomes optional in function call. अगर वो default है तो उसकी value optional है. आप चाहें तो function call से value भेजें, चाहें तो नहीं भेजें. Function call may or may not have value for it. Is it okay? Yes, sir. आगे function header पे default values. अब देखिए इसमें से कौन legal है और कौन illegal है. As per you, first one is legal or illegal? Legal. Second? Legal. Sir. Third? Legal. Sir. What about fourth? Illegal, sir. Why? क्योंकि जो default argument है वो हमेशा कहाँ से होना चाहिए? Right hand side से, है ना? Right to left. Yes, sir. और इसमें क्लियर लिखा हुआ है द डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर पैरामीटर आर कंसीडर्ड ओनली इफ नो वैल्यूज प्रोवाइडेड फॉर दैट पैरामीटर. वेरी इंपॉर्टेंट, डिफॉल्ट वैल्यू कब कंसीडर होती है? अगर आपने उसके लिए वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है तो. जैसे इस वाले में हमने रेट की वैल्यू 0.10 कंसीडर करी थी बिकॉज इसमें हमने रेट की वैल्यू पास की ही नहीं है, नहीं की थी, और हमने इसमें पास की है तो ये 0.15 कंसीडर करेगा. इज इट ओके? यस सर. ओके ओके. नाउ नेक्स्ट इन दिस वन, सो आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड. इसमें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है. सो एज पर फर्स्ट कॉल रेट अपनी क्या वैल्यू ऑप्ट करेगा, जल्दी बताइए. 0.10. और टाइम की वैल्यू आपने पास नहीं किया, स्किप कर दी, सो देयर विल बी एन एरर. आई होप ये तो आप लोग को समझ में आ गया है. यहाँ पे क्या होगा, टाइम में एरर नहीं आएगा बिकॉज ये वैल्यू प्रिंसिपल में जाएगी 2000 और टाइम में तो डिफॉल्ट वैल्यू है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. यस सर. यहां पे आपने टाइम की वैल्यू पास किया तो टाइम 3 ले लेगा. यस और नो? यस सर. यस सर. किसी को कोई डाउट? नो सर. नो सर. शिवम इज प्रेजेंट? यस सर. समझ में आ रहा है बेटा? जी सर. ओके. So in this one, all three your parameters occupied default values. So if you are not passing any value from this one, so they all three will occupy their default value. Yes or default no? Default value. Yes, sir. Yes, sir. Now next. ये तो illegal header है. क्योंकि आपका जो पैरामीटर yes, पास होगा वो कहां से, वो डिफॉल्ट पैरामीटर कहां से होना चाहिए? राइट हैंड साइड से. राइट टू लेफ्ट. राइट हैंड साइड. चलिए आगे आ जाइए. आप नेम्ड आ जाएगा, नेम्ड या कीवर्ड. तो देखिए नेम्ड या कीवर्ड का बेनिफिट क्या होता है. अब इसमें हमने क्या कर दिया, सी सेकंड वाला देखिए, ये फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला. टाइम की वैल्यू हम पहले दे रहे हैं ना, यस और नो? Yes, sir. So, we need to give its name properly. Time is equal to 2. Print is equal to 2000. Rate is equal to 0.10. So, this 2, basically, agar hamara ye named nahi hota, to 2 kis mein ja karke store hota? Print mein? Yes or no? Yes, sir. Yes. But humne yahan pe time, name de diya hai. To ye 2 kis mein ja karke store hoga? Time mein? 2000 print में, 0.10 rate में. But इसमें important क्या है, ये time, ये print, their name, their actual parameter name should be same as per formal parameter. Yes or no?
Yes, sir. Their actual parameter name should be same as their formal parameter. Yes or no? Formal parameter. Yes, sir. Very yes, nice. Sir. Okay. Now, see in this third one. Time. Two पहले दे दिया. Rate अब दे दिया. ये rate में जाएगा. Time की value 2 time में जाएगी और ये print की value 2000 में जाएगी. है ना? अब इसके कुछ आप लोग examples देखिए. ये important है ये भी. पहली बात क्या है इसका rule? An argument list must first contain positional. अगर उसमें positional भी है और default भी है, तो पहले positional आएगा, फिर उसके बाद में named आएगा. Okay? Keyword should be taken yes, from the required argument. मतलब name same होना चाहिए. और आप you cannot specify value more than once. जैसे अब इसमें देखिए legal देखिए. Some of the legal cases. This one is legal because print 3000 जाएगा इसमें, CC की value 4 इसमें जाएगी और time और rate के पास में default value है, so there is no problem. Rate की value 0.12 इसमें जाएगी, print की value 3000 इसमें जाएगी, CC की value 4 इसमें जाएगी. And there is no problem with time because time having its default value. Yes, any problem? No, sir. No, sir. CC की value 4 जाएगी, rate की value 0.12 जाएगी, print की value 3000, time अपने default ले लेगा. So there is no problem. Now in this one. देखिए. Now in this one. Last one, very important one. 3000 print में जाएगा, 4 CC में जाएगा और rate में 0.12 जाएगा. तो यही बोला था कि आपके positional और named अगर दोनों होते हैं, तो पहले कौन आएगा? Positional और बाद में कौन आएगा? Named. समझ named. में आ गया? अगर named named yes, है, so there is no problem. But अगर positional और named दोनों हैं, तो positional पहले आएगा और named बाद में आएगा. Always remember this thing. Okay? अभी कुछ illegal cases yes, हम लोग लेंगे, which are very important and very good as per this scenario. So what is the problem with this one? Rate अपनी value 0.12. अब इस पर 3000 और 4 बाद में ले लिए ना, जबकि 3000 और 4 कहाँ आने चाहिए? पहले आने चाहिए. Yes. So this is the problem with this one. हमने क्या किया, पोजिशनल को बाद में ले लिया और नेम्ड को पहले. नो, पोजिशनल शुड बी फर्स्ट और नेम शुड बी आफ्टरवर्ड्स. नाउ इन दिस वन 300 जाएगा प्रिंट में और प्रिंट में ही 3000 दे रहे हैं, तो सो वी आर गिविंग मल्टीपल वैल्यूज ना. यस सर. सो दिस इज एन एरर. नाउ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3000, ये भी एरर है बिकॉज देयर इज नो फॉर्मल पैरामीटर विद द नेम प्रिंसिपल. यस और नो? Yes, sir. 3000 जाएगा इसमें, time is equal to 2, rate is equal to this. Now, in this one, अभी आप बोलोगे, सर, आपने तो positional पहले ले लिया, named बाद में ले लिया, so there is no problem. But CC, the value of CC is missing. और CC में तो default value भी नहीं है. Yes or no? Yes, sir. So this one concept is over. Now we are moving on to next phase, scope. So beta, how many types of scope we have? Two. One is global, another one is global and local, hai na? To aap is program mein hamara global scope pumps kiska hai? A ka aur B ka, hai na beta? Aur in dono variables ko hum change function ke andar use kar sakte hai ki nahi? Yes, sir. डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो हमारे इसका ए और बी की वैल्यू 15-20 आ जाएगी और अपने में बाद में यूज करेगा तो वो तो 15-20 आएगा ही आएगा. यस और नो? यस सर. देखिए लोकल स्कोप ए, दिस स्कोप इज ग्लोबल और लोकल? लोकल. क्या sir, बोल रहे हो? मैं कौन सा ए पूछ रहा हूँ? विच इज गिवन एट द फ्रंट ऑफ कोर्स. ग्लोबल सर. ग्लोबल स्कोप. आंसर पे ध्यान मत दो, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो. दिस ए इज ग्लोबल.
प्रिंट ए करेंगे 15 मिलेगा. नाउ वी मूव ऑन टू आवर फंक्शन चेंज. और जैसे ही हम चेंज फंक्शन के अंदर गए, क्या लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू 100. मान लो अगर मैंने ये ए इज इक्वल टू 100 नहीं लिखा होता, सिर्फ हमने लिखा होता प्रिंट ए, तो ये ए कौन सा वाला कंसीडर करता बेटा? ग्लोबल. ग्लोबल वाला. और ये अपनी वैल्यू कितनी प्रिंट करवा देता? 15. बट हमने यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 100, जिस वजह से ये ए कौन सा बन जाएगा? लोकल. लोकल. और यहाँ पर इसकी वैल्यू 100 मिलेगी. फिर हम वापस आएंगे तो ये वाला ए जो होगा ये कौन सा होगा? ग्लोबल. यस. तो ये लोकल क्यों बन गया? बिकॉज इमीडिएट, बिकॉज यू इनिशियलाइज सम वैल्यू इन इट, और बिकॉज यू राइट सम वैल्यू इन इट, है ना. अगर आप सिंपल रीड करते, राइट नहीं करते, तो ये वाला ए कौन सा रहता? ग्लोबल. समझ में आ गया? इतना समझ में आया? नाउ प्लीज रीजॉइन क्लास. क्लास स्टॉप होने वाली है, रीजॉइन करो. ओके सर. रीजॉइन करो.